गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों आज की स्टोरी है शॉर्टकट का दर्द। दोस्तों इस स्टोरी को आप ध्यान से इस चित्र को देखिएगा, चित्र अपने आप बदलते रहेंगे। इस चित्र के अंदर अगर हमने देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कुछ सामान ढो रहे हैं, ये पांच लोग मिलके मेहनत कर रहे हैं, वजन उठा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से इस चित्र के अंदर देखिए कि ये जो येलो टी शर्ट वाला व्यक्ति जो है उसके दिमाग में कुछ खुरापाक उत्पन्न होता है और वो सोचता है कि ये वजन बहुत भारी है, मुझे इसके ऊपर कुछ दिमाग लगाना चाहिए। बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसने दिमाग लगाया कि मैं इसको थोड़ा सा काट देता हूँ, और उसने देखिए ये काटने लग गया और इसके बाद उसने वो काट दिया। जैसे काटा तो उसका वजन हो गया दूसरों से हल्का हो गया, और वो देखिए अब गीत गाने लगा है और वो बड़ा खुश है। उसको लग रहा है कि मैंने इसका वजन कम कर दिया है और मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों जिंदगी में एक बात याद रखिएगा कि जिसको एक बार काटने की आदत लग जाती है वो बार बार काटता रहता है, जिसको एक बार मैदान छोड़ने की आदत लग जाती है वो जिंदगी में हर क्षेत्र में मैदान छोड़ने वाला व्यक्ति बन जाता है, और जो व्यक्ति कुछ भी हो जाए लेकिन हिम्मत नहीं हारता है वो मैदान में न हारने वाला व्यक्ति के स्वरूप में उभर के बाहर आता है। दोस्तों ये काटने के बाद देखिए आगे बढ़ रहा है, और आप ध्यान से देखिए बाकी सबसे वो आगे चलने लगा। अब इसको आदत तो लगी चुकी है काटने की, इसने फिर से एक बार सोचा कि और स्पीड में मुझे और आगे बढ़ना है, और इसने और दिमाग लगा के और काट दिया, और इस बार वो सबसे आगे हो गया। बाकी सब लोग इसको देख के टेंशन में है कि हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये आदमी बड़ी तेजी से जा रहा है। बाकी लोग बहुत ही दुखी है, कंफ्यूज है कि भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है, हमने इतना सारा मेहनत किया, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं और वो आदमी एकदम शॉर्टकट पे मारे जा रहा है, और देखिए भगवान क्या चाहे। दोस्तों फिर से एक बार उसने देखा कि आगे एक खाई आई है, बाकी जो लोग वो सबसे आगे था इसलिए वो सबसे पहले पहुंच गया, लेकिन जब दूसरे लोग आए अपना सामान लेके क्रॉस को लेके, तो सभी लोग जो मेहनत करके आए थे उन्होंने अपने क्रॉस को रखा और वो उस खाई को पार कर दिए। दोस्तों और अब क्या हुआ, अब इस पिक्चर को जरा ध्यान से अगर आप देखोगे मित्र, तो अब इसका क्रॉस छोटा पड़ गया, अब आगे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अब उसको समझ आ गया कि जीवन में मुझे शॉर्टकट नहीं करना चाहिए था। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट सीखने को मिला कि एक तो उसने जो शॉर्टकट मारा उसकी इसको ये सजा हुई। दोस्तों दूसरा उसने वो तीनों व्यक्तियों के साथ जो उसके साथ दूसरे लोग थे उनके साथ भी उसने ऐसा रिश्ता नहीं रखा कि वो उनके क्रॉस पर चल के भी उस तरफ चला जाए, क्योंकि ये जब उसको अचीवमेंट मिला, हल्का हो गया उसका क्रॉस, तो बड़े अभिमान में आ गया, गर्व में आ गया, और उसको किसी को साथ रिश्ता नहीं रखा, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करे। दोस्तों ऐसे ही हमारी जिंदगी के अंदर भी ऐसी खाई आएगी। मेरा ऐसा तजुर्बा है कि मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति और कंपनी की हमेशा अच्छी जिंदगी नहीं देखी है, बीच के अंदर खाई आती है, किसी को दिखती है किसी को नहीं दिखती, ऐसे हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी एक खाई आती है, और थोड़ी सफलता के बाद ऐसी खाई रेगुलर बेस पे आती रहती है। लेकिन इस खाई को पार करने का दम सिर्फ वही व्यक्ति रखेगा जो व्यक्ति मेहनत करेगा। जब आप मेहनत करते हो, आप लोगों को मिलते हो, हजारों लोगों को मिलने के बाद, हजारों किताबें, हजारों सेमिनार्स, आपको जो चीजें पसंद नहीं है वो भी आप करते जा रहे हो और एक डिसिप्लिन जीवन में लेके आते हो, और जब आप इन चीजों को आप करते ही जा रहे हो तो एक अलग किस्म की शक्ति तुम्हारे अंदर डेवलप हो जाती है। उस शक्ति में ही इतना दम होता है कि ये खाई को पार कर सके। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी, डायरेक्ट सेलिंग ऑलरेडी एक शॉर्टकट है, जो आदमी इसके अंदर भी शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेगा उसका वो खुद ही एक शॉर्ट हो जाएगा और धीरे धीरे वो कट हो जाएगा धंधे से। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीखना है कि जीवन के अंदर मेहनत करना कितना जरूरी है।
अगर आप मेहनत करके किसी पद को हासिल करोगे, आपने ध्यान से देखा होगा कि जब एथलीट्स लोग जीतते हैं किसी चैंपियनशिप के अंदर, जब वो जीत के आते हैं तो उनको बहुत सारी कंपनियां ऑफर देती है कि आप हमारी कंपनी में ये काम करें, वो काम करें, उनको बहुत सारे मौके खुलते हैं। वो इसलिए नहीं है कि उस मैच में वो जीता है या उस चैंपियनशिप में उस गेम के अंदर वो जीत गया, ना दोस्तों। लेकिन जब आदमी वो जीतता है तो वो जीतने के लिए उसने हजारों बदलाव अपने बॉडी में और हजारों बदलाव उसने अपने दिमाग में किए हैं। टीम वर्क, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, ऐसा बहुत सारे चीज़ें उसने वो बदलाव लेके आया। अब वो बदल चुका है, अब वो जो जीता हुआ व्यक्ति है अब वो पहले जैसा नहीं है, अब उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। उस बदलाव की बदौलत और उस बदलाव का फायदा उठाने के लिए ही कंपनियां उनको ऑफर करती है, इसलिए नहीं कि वो जीतता है। दोस्तों, जो आदमी मेहनत करेगा वही ऐसी हजारों खाई पार कर पाएगा। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि दुनिया में और जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में ऐसी खाई लगातार आती रहेगी, लेकिन पार वही कर पाएगा जो मेहनत करके आगे बढ़ता जाएगा, जो शॉर्टकट ढूंढेगा वो जाएगा। क्योंकि मेहनत से आदमियां आपका शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट होता है और उस डेवलपमेंट की बदौलत आप में वो दम पैदा होता है कि आप उस कुर्सी को पकड़ के रखो, उस टाइटल की गरिमा को, चाहे आप डायमंड बन गए या जो भी लेवल आपने पद प्राप्त किया है, उस पद को संभालने की गरिमा और शक्ति उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, याद रखिए इस कहानी से हमें, इस कहानी का नाम है शॉर्टकट का दर्द। जिस तरीके से ये आदमी रो रहा है, आप देखिए कैसे अपनी मुंडी को नीचे रखे हुए पश्चाताप कर रहा है। आप अगर ऐसा पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों मेहनत से प्यार कीजिए। मेहनत आपको जरूर रंग लाएगी जिंदगी में, आप बस मेहनत कीजिए, ईश्वर पे भरोसा कीजिए, अपनी स्किल को और इम्प्रूव करिए और आगे बढ़ते रहिए। विदाउट मेहनत ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। स्वर्ग जाने की तमन्ना रखते हो तो मरने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। धन्यवाद। स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।